जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों का अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बैलेट के हवाले से एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को जो प्रोग्रेस सो फार है वो आपसे शेयर करते हैं। सो एवरीवन नोज दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द टाउन प्लान्स फॉर बैलेट पर्पसेस। तो वी आर इन अ मीटिंग राइट नाउ और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम बैठी हुई है जो आपके बैलेट प्लान्स को फाइनलाइज कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव फाइनलाइज दिस टाउन प्लान फॉर अवामी। और सत्यन भाई जरा आप इधर आएंगे काइंडली, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे ये ऑक्सीजन पार्क का कॉन्सेप्ट और अवामी में हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे कंप्लीट मास्टर प्लान ऑफ अवामी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जहाँ से बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट किया है, ये बेसिकली ऑक्सीजन पार्क है। रीजन बीइंग जी कि जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो लिवेबिलिटी है हमारी, वो रन थ्रू दोज मेन फाइव फोर ऑर्गन्स हैं जी, जिनसे हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म चलता है। सो वी ड्राइव दैट कॉन्सेप्ट, रीजन बीइंग डेंस वर्सेज पॉपुलेटेड सेगमेंट वर्सेज जो है ब्रीदिंग स्पेस का कॉन्सेप्ट, ताकि छोटे प्लॉट्स के अंदर भी हम मैक्सिमम ग्रीन एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दैट 250 कनाल एंड इंटरलिंक्ड विद फोर मेजर हब्स। यानी ये हमारा 250 कनाल का बीच में ऑक्सीजन पार्क है जो इस सारी कम्युनिटी को सेंटर में सपोर्ट कर रहा होगा। और फिर हर सेक्टर का अपना एक ग्रैंड पार्क है, विच इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन पार्क। इट्स बेसिकली आर्ट्री ऑफ दोज। सो इट इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्टर्स और हर सेक्टर का एक सेंटर में अपना एक बड़ा ऑक्सीजन पार्क सेंटर में और फिर एक सेंटर में पार्क है। और ये जो मेन बुलेवार्ड बीच में शेख जायद रोड की तर्ज पे रन कर रही है उसके बीच में भी ये बड़ी बड़ी ग्रीन स्पेसेस दी हुई हैं। डेंस पॉपुलेशन को जो बेसिकली कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली ये ग्रीन जोन है। और ये बेसिकली अगर इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पे देखें तो बार्सिलोना में सुपर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है। सो ये बेसिकली उसमें हमने इनकॉर्पोरेट इनटू ग्रीन मैकेनिज्म किया है। और ये वो शेख जायद रोड की कॉन्टिन्यूटी है जो थ्रू एंड थ्रू आगे हमें सी पैक रोड से। अच्छा अब हम जरा वहां पे आ जाएं इसको। ये जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरऑल मास्टर प्लान है, जरा अगली स्लाइड दिखाएंगे। ये आपका अगर आप इसको देख सकें यहां से, तो दिस इज बेसिकली ये येलो आपका सी पैक रोड है, ये पर्पल आपका रिंग रोड है, ग्रीन आपका मोटरवे है और ये बीच में चक्री रोड है। तो जिस तरह से हम कहा करते थे इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैक साइड वुड बी कनेक्टेड टू रिंग रोड एंड अंदर से ये जो शेख जायद की तर्ज पे हम जिसको हम टूरिज्म फ्री वे कह रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तावुन से इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं, जो नया इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल इस मुल्क के लिए डिसाइड हो रहा है उसमें रियल एस्टेट ने एक कलीदी किरदार अदा करना है इंशाल्लाह। तो ये उस मॉडल को मद्देनजर रखते हुए ये टूरिज्म फ्री वे बनाई जा रही है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के बीच में से गुजरती हुई सी पैक रूट को टच करेगी। और ये आपका एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट जिस तरह दुबई की इकोनॉमी में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, इंशाल्लाह हमारे साथ भी एयरपोर्ट का कनेक्शन वाया मोटरवे एंड वाया आर एक्सप्रेस फ्रीवे रहेगा और ये तमाम ब्लॉक्स जो हैं इस फ्रीवे से कनेक्टेड होंगे। सो वी आर स्टार्टिंग हेयर और जो हमारा अवामी ब्लॉक है वो समवेयर हेयर एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट्स ओनली लाइक अ 5 to 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द मोटरवे। तो इसी तरह 5 से 10 मिनट हम इधर जाते हैं तो ब्लू वर्ल्ड की जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है जो आप देखते हैं, और इसी तरह आप 5-10 मिनट इधर जाएंगे तो ये आपका अवामी ब्लॉक है और ये वो अवामी ब्लॉक का नक्शा है जो आप देख रहे हैं। अगली स्लाइड देंगे। तो इसको हम जी दुबई की तर्ज पे एक टूरिज्म सिटी के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे, उस पर काम हो रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अवामी ब्लॉक का मैप है और जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो उसी तरह डिजाइन किए। इससे अगला दिखाएंगे जी, ये आपका डिटेल्ड उसका प्लान है और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपका स्टेडियम है, ये स्पोर्ट्स वैली है, ये शुएब अख्तर एनक्लेव है और इसी आप से गुजरते आए तो यहाँ पे आपका ये अवामी ब्लॉक प्लान हो रहा है। और अवामी ब्लॉक के इर्द गिर्द बहुत सारी खूबसूरत किस्म की और डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो हम विद टाइम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे जी। जजाकल्ला खैर, थैंक यू ऑल।